नमस्कार, आज 1 जून आप देख रहे हैं मुंबई मास की सभी मुख्य खबरें। बीएमसी स्कूलों के छात्रों के यूनिफॉर्म का रंग बदलेगा, अब नीले रंग से क्रीम कलर के यूनिफॉर्म में बदल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बताया एक धर्म एक जाति की पार्टी। ईडी हिरासत में अनिल देशमुख की तबीयत खराब, जमानत पर जल्द हो सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे हाईकोर्ट को निर्देश। वहीं वसूली एजेंटों की गुंडागर्दी के मामले बढ़ने पर एक्शन में आई मुंबई पुलिस, जल्द हो सकते हैं 100 लोन एप्स ब्लॉक। बीएमसी इलेक्शन 2022, बीएमसी चुनाव को लेकर आज से बज गया बिगुल, 236 सीटों के लिए निकाली गई लॉटरी। वहीं मुंबई से सटे काशी मीरा से दर्दनाक घटना सामने आ रहा है, होटल में मासूम की मौत और चिल्लाती हुई माँ, अनसुलझी वारदात के बाद पिता फरार। वहीं राज ठाकरे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती, आज 1 जून को होगी उनकी कूल्हे की सर्जरी। वहीं पीएमसी इलेक्शन 2022 की बात करें तो पुणे महानगर पालिका का आरक्षण जारी, 58 वार्डों में कुल 173 सीट। ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महाराष्ट्र के पुणे से 6 लोग हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक के धर्म संसद में महाभारत, हनुमान जन्म स्थान को लेकर आपस में भीड़े संत, माइक छीनकर मारने के लिए किया हमला। फिलहाल मुंबई महाराष्ट्र में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, बस टैक्सी और मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।